हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो जो है रेविट की हम ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको स्क्रैच से लेकर आपको पूरा बेसिक्स बताएंगे और एडवांस लेवल के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो है हम आपको ईच टूल के बारे में बताएंगे, कैसे आप टूल टेस्ट जो होते हैं रेविट के वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, और रेविट के जितने भी आपको प्रो फीचर्स और जो एडवांस फीचर्स होते हैं उनका कैसे आप जो है यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो रेविट का जो है मार्केट में ट्रेंड अभी इतना ज्यादा क्यों है, और इससे पहले जो हम जो भी ड्राइंग्स हमारी जनरेट करते थे वो ऑटो कैड पे यूज जनरेट करते थे, बट जो है अब रेविट का यूज करके हम एक 3D मॉडल वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही शॉप ड्राइंग, BOQ वगैरह वो बहुत ही इजी वे के अंदर यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रेविट के थ्रू। तो रेविट का जो इंटरफेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी आप रेविट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको मॉडल और फैमिलीज दो चीज ओपन, और या तो एग्जिस्टिंग अगर कुछ है आपके पास ऑलरेडी तो आपको ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा दोनों, और आप बिल्कुल न्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू से स्टार्ट करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। मॉडल में जो है आप 2D 3D मॉडल वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, आप शीट जनरेट कर सकते हैं आपकी बिल्डिंग की, कोई भी स्कोप अगर आपके पास है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का, मैकेनिकल का, प्लम्बिंग का, तो वहां पर उस ट्रेड का मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं और शीट स्केड्यूल BOQ वगैरह सब वहां पर जनरेट कर सकते हैं। फैमिलीज होती है जो हमारी HUs वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्लम्बिंग के है तो वाटर सप्लाई के टैंक और पंप वगैरह आप वहां से जो है क्रिएट करके फैमिलीज आप मॉडल के अंदर यूज कर सकते हैं। फैमिलीज अगर आपको क्लाइंट की टेम्पलेट के अंदर अवेलेबल है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, या फिर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और अदरवाइज आप स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप मॉडल न्यू से स्टार्ट करेंगे या फैमिलीज न्यू से स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर टेम्पलेट चूज करने का ऑप्शन होता है, या अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मॉडल है तो आप डायरेक्टली वहां से ओपन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल को। तो जब आप न्यू से सेलेक्ट करते हैं तो न्यू में आपको टेम्पलेट चूज करनी होती है, टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल होती है कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर मैकेनिकल, ये टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक क्लाइंट की तरफ से कोई और टेम्पलेट है तो आप वहां से ब्राउज करके जो टेम्पलेट्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बेसिकली टेम्पलेट्स में जो डिफरेंशिएशन होता है, आप जैसे कि अगर आप मैकेनिकल की टेम्पलेट चूज करते हैं तो आपको वहाँ पर डक्टिंग से रिलेटेड सिस्टम्स, डक्टिंग से रिलेटेड आपको कुछ जो सेटिंग्स होती है MEP की सेटिंग्स, और जो जो आपको प्रॉपर्टीज के अंदर जो आपको डिसिप्लिन वगैरह है वो मैकेनिकल टेम्पलेट के हिसाब से आपको सेट मिलेगी। अगर आप आर्किटेक्चर चूज करते हैं तो आपको आर्किटेक्चर के हिसाब से मिलेगी, बट ऐसा इसमें नहीं है कि आप मैकेनिकल टेम्पलेट ऑन करके ओनली मैकेनिकल की डक्ट्स वगैरह ही ड्रॉ कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर के एलिमेंट वहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आप उन एलिमेंट्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंस जो रहता है केवल सेटिंग्स का, फैमिलीज आपको मैकेनिकल की ज्यादा मिलेगी, मैकेनिकल की सेटिंग्स आपको मिलेगी इसमें, तो ये डिफरेंस आपको टेम्पलेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आप ट्रेड करते हैं उस ट्रेड के हिसाब से आपको टेम्पलेट चूज करनी चाहिए, और क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ओके करते ही जो है आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका यूजर इंटरफेस रहेगा, एक फाइल हमने ओपन कर रखी है। यूजर इंटरफेस के लिए हम उस फाइल के थ्रू आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी चीजों की ज्यादा मिलेगी। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमारा प्लम्बिंग का ड्रेनेज की फाइल है, इसमें जो हमारी फर्स्ट आपको जो अवेलेबल हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको प्रॉपर्टीज विंडो अवेलेबल होगी। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस ड्रेनेज के पाइप को हमने सेलेक्ट किया, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो सब आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टीज बार के अंदर विजिबल होगी। जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा पूरा बेसिक जो रेविट के हमारे 2D 3D व्यूज है, एलिवेशन है, स्केड्यूल है, जो शीट हम क्रिएट करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आप देख सकते हैं व्यूज आपको सारे अवेलेबल होंगे, आपको लीजेंड्स अवेलेबल होंगे, क्वांटिटीज स्केड्यूल अगर आप क्रिएट करते हैं कि कितनी फिटिंग्स है, कितने पाइप से, पाइप का लेंथ वगैरह क्या है, BOQ निकालने के लिए, वो सब आपको स्केड्यूल में यहाँ पर अवेलेबल होगी। शीट्स अगर आप कोई क्रिएट करते हैं, इसकी आप एक शीट क्रिएट करके आप साइट इंजीनियर को देना चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का जो है ड्रेनेज का प्लान क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर शीट क्रिएट कर सकते हैं। फैमिलीज फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ट्रैप है गली ट्रैप, इसकी फैमिलीज हमने क्रिएट करी, फ्लोर ड्रेन की फैमिलीज हमने क्रिएट करी, तो फैमिलीज सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी शो करने के लिए। इसके साथ अगर आपकी ड्रेनेज फाइल है, इसमें आप बैकग्राउंड में आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के लिंक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो सारे लिंक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट ब्राउजर रहता है।
अगर बाई चांस आपसे ये विंडो क्लोज हो जाती है तो आप व्यू में जाकर जो है यूजर इंटरफेस से इस विंडो को वापस ऑन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की, प्रोजेक्ट ब्राउजर की, सिस्टम ब्राउजर की, ये सारी विंडोज आप व्यू के अंदर जाके यूजर इंटरफेस से टर्न ऑन कर सकते हैं। इसके साथ जो बेसिक हमारा ओवरव्यू रहेगा आर्किटेक्चर टैब के अंदर, आपको सारे वॉल, डोर, विंडोज, जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर क्रिएट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्लम्बिंग टेम्पलेट चूज करिए तो आप जो है अदर ट्रेड के यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते चीजें। इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपको बीम, वॉल, कॉलम, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जो आपके एमएपी के हैं वो आपको सिस्टम्स के अंदर डक्ट, फ्लेक्स डक्ट, एयर टर्मिनल, आपको पाइप और कॉन्ड्यूट्स वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इनसेट के थ्रू जब आप वर्क करते हैं, अगर आपके पास 2D ड्राइंग है, आप 3D मॉडल के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, तो 2D पीडीएफ को आप यहाँ पर अपेंड करके आप पीछे उस पीडीएफ को अटैच कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है आपकी मॉडलिंग एज इट इज कर सकते हैं। कैड है तो कैड का आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में आपको कैड, पीडीएफ, इमेजेस, पॉइंट क्लाउड, ये इंसर्ट करने के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको एक इनपुट देते हैं जिस पे आप मॉडल 3D आपका क्रिएट कर सकते हैं। अनोटेट के अंदर जो आपको बेसिक डायमेंशन हो गई, एलिवेशन हो गए कि ये पाइप कितने एलिवेशन पे चल रहा है आप देख सकते हैं। FFL से -1500 मीन्स ये अंडरग्राउंड का पाइप चल रहा है। तो ये सारे आपको डायमेंशन वगैरह, अनोटेशन वगैरह अनोटेट टेप के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ जो कोलैबोरेट होता है, आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को एक से ज्यादा पर्सन काम करे तो आप इस फाइल को सेंट्रल बना सकते हैं, तो वो कोलैबोरेट के अंदर आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। इनको डिटेल में हम अपकमिंग वीडियोस में आपको बताएंगे वन बाय वन इन सब टेप्स को और कैसे आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो ये हमारा 2D व्यू है। आपको जो है यहाँ पर जो फ्लोर प्लान आप क्रिएट करते हैं ग्राउंड के फर्स्ट के, कैसे आप फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं वो भी आपको बताएंगे इन डिटेल में। तो यहाँ से आप सारे उन फ्लोर प्लान को एक्सेस कर सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग के अगर 2-3 लेवल है तो 2-3 फ्लोर प्लान आप क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लान पे जाकर मॉडलिंग कर सकते हैं। आपको 3D व्यूज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप 3D व्यूज एक्सेस कर सकते हैं कि आपके जो भी आपने मॉडलिंग करी है वो 3D व्यू में आपको कैसे विजिबल हो रही है, तो आप जो है 3D व्यू यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। स्केड्यूल्स तो हमारा फर्स्ट जो है व्यूज, उसमें आपको सारे व्यूज से रिलेटेड चीजें मिलती है। जो आपका सेकंड होता है लीजेंड्स, इसमें जो आप शीट क्रिएट करते हैं तो कुछ लीजेंड्स एब्रिवेशन आप देते हैं कि जैसे आपका जो है फॉर एग्जांपल GT मीन्स गली ट्रैप, तो वो जो शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेशन लीजेंड्स आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, नोट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और शीट में उन्हें उतार सकते हैं। स्केड्यूल से आप स्केड्यूल बना के व्यू व्यू जनरेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कितनी फिटिंग्स आप पर यूज हुई है 90 की, 45 की, उनका व्यू व्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको व्यू व्यू ऑप्शन बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप न्यू स्केड्यूल करके व्यू क्यू निकाल सकते हैं। और इसी के साथ जो है आपको शीट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप यहाँ से शीट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी प्लान आपने आपका ग्राउंड फ्लोर का बनाया उसे यहाँ पर उतार कर और आप जो है साइट इंजीनियर के साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो यह आपको शीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपने फैमिलीज बनाई है या जो भी आपकी पाइपिंग सिस्टम्स है वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपकी जो भी जेनरिक मॉडल है, पाइप की फिटिंग्स है, वो सारी फैमिलीज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। लिंक्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप इसमें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के लिंक्स अपेंड करके वर्क यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा एक रेविट का यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू आप एक 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, व्यू क्यू निकाल सकते हैं, शीट क्रिएट कर सकते हैं और जो है आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं फाइल्स का। कुछ यूजर इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको फाइल्स के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको यूजर इंटरफेस में अगर आप कोई टैब ऑफ करना चाहते हैं तो टैब ऑफ कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स में जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। और जब भी आप कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको ब्लू कलर में वो हाईलाइट होता है वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आपका माउस का पॉइंटर है, जब भी आप वर्क करते हैं तो आपका माउस का पॉइंटर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इसकी आपको साइज चेंज करनी है, कलर चेंज करनी है, तो जो है आपके आपके विंडोज में जाके माउस माउस पॉइंटर साइज पर जो है आपको वहां से ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर जाकर जो है आप कलर जो है कलर चेंज कर सकते हैं कलर वाला चूज करने के बाद, और जो साइज है साइज चेंज कर सकते हैं आपके पॉइंटर की, या आप जो है आपकी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं आपको जैसा आप प्राइवेट में वर्क करने में हेल्प हो, तो ये सेटिंग्स कर सकते हैं आप प्राइवेट में। सो बने रहिए, आपको पार्ट अपकमिंग पार्ट्स में आपको इन डिटेल जो है रेविट के बारे में और ट्यूटोरियल देंगे। धन्यवाद।